गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरम नंबर 10.3, चैप्टर नंबर 10, नाइन्थ क्लास। इसके अंदर दो क्या कहा है थ्योरम में, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र ओ है, इससे जो ए बी है ये जीवा है, इस पर जो लंब डाला गया है ये बी, तो ये जीवा जो ए बी है उसको दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बार बताया तो दिया है एक वृत्त सी ओ आर, जिसमें ओ सेंटर है, आर उसकी त्रिज्या, जिसकी जीवा ए सी है और ओ बी ए सी पर लंब है। ओ बी किस पर है, ओ बी ए सी पर लंब है, अर्थात एंगल ओ बी ए ओ बी सी दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के होंगे। तो हमें सिद्ध करना है ए बी और सी बी, ए बी और सी बी बराबर है। तो रचना ओ ए ओ सी को मिलाया, ओ ए ओ सी को मिलाया, उपपत्ति एंगल ए त्रिभुज ए बी ओ और सी बी ओ, ए बी ओ सी बी ओ में इन दो त्रिभुजों में क्या है, ओ ए ओ सी ए की वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ ए ओ सी दोनों त्रिज्याएं होगी, ओ बी ओ बी कॉमन है इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल दोनों त्रिभुजों में क्या है, ओ बी उभयनिष्ठ है। तो एंगल ओ बी ए ओ बी सी, ओ बी ए ओ बी सी बताया था कितनी डिग्री है, 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। और किसने होगा, राइट आर एच राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये दिया है ये 90 डिग्री का है, इसलिए लिख देता हूं दिया है ईच नाइट प्रत्येक 90 डिग्री। तो ए बी और सी बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सीपीसी के द्वारा। तो हम कह सकेंगे कि हमने ये थ्योरम सिद्ध कर दी है।